नमस्कार एजुकेटर्स एंड लर्नर्स, आज बेसिकली मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ एक सुपर पावर जो आपके अंदर जनरेट हो जाएगी एजुकेशन सिस्टम से। जी हाँ, सुपर पावर, जिसके बारे में अगर हम बच्चों को कहें या बड़ों को कहें तो हम बेसिकली इन्फ्लुएंस होते हैं सुपर पावर से। कैसे? छोटे बच्चे देखते हैं सुपरमैन को, आयरन मैन को, कैप्टन अमेरिका को, और हम बड़े लोग देखते हैं भगवान को। एंड वी बेसिकली से कि ये सुपर पावर मेरी असिस्टेंस कर दें या मेरे अंदर कोई सुपर पावर आ जाए टू अचीव द अल्टीमेट गोल ऑफ माई लाइफ। तो मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एजुकेशन से आपके अंदर कौन सी सुपर पावर है जो जनरेट हो सकती है। तो हम बात करेंगे सुपर पावर विच ड्राइव यू फ्रॉम पार्टिसिपेशन टू कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? पार्टिसिपेशन और कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब इन्वॉल्वमेंट इन अ टास्क, बात तो सेम ही है। हाँ जी, ऊपर से देखा जाए तो बात सेम ही है, लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएंगे तो दोनों का नेचर ऑफ इन्वॉल्वमेंट अलग अलग है। कैसे? समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप ये समझे कि आप एक फुटबॉल टीम के मेंबर हैं। जिस फुटबॉल टीम के आप मेंबर हैं, अगर आप बेंच पे बाहर बैठे हुए हैं एंड यू आर नॉट देयर ऑन द फील्ड, तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने क्वालिफाई किया टीम के लिए, आपका एक्टिव एंगेजमेंट तो है, लेकिन आपकी रिसोर्सेस या आपका सपोर्ट टीम में कहीं भी नहीं है ऑन द फील्ड। यहां से बात को आगे बढ़ाएंगे तो कहेंगे कि नेचर ऑफ इन्वॉल्वमेंट दोनों का अलग अलग है, चाहे वो पार्टिसिपेशन हो या कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन कहता है कि आप एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेस जो भी हैं आपके अंदर, फिजिकल हैं या मेंटल रिसोर्सेज हैं, उनका कहीं इस्तेमाल हो रहा है एक अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए। वेर इन पार्टिसिपेशन कहता है कि आप एक एक्टिवली इन्वॉल्व्ड या एक्टिवली एंगेज्ड एंटिटी हैं किसी भी डिसीजन के लिए या किसी भी मूवमेंट के लिए या किसी भी एक्टिविटी के लिए। देखिए, समझाएं आपको तो कहेंगे कि ये एक जिदोजैद है इनपुट वर्सेस एक्टिव एंगेजमेंट के बीच में। मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन कहता है कि आप अपना क्या इनपुट डाल रहे हैं, और पार्टिसिपेशन कहता है कि आप एक्टिवली एंगेज्ड हैं। समझाने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे, फॉर एग्जांपल आपने कुछ गरीब लोगों के लिए घर बनाने थे, तो आप पहले क्या करेंगे? लोगों को इकट्ठा करेंगे कि उनका एक्टिव एंगेजमेंट हो, पार्टिसिपेट करें, तब जाके आप लोगों से बात करेंगे ताकि लोग कॉन्ट्रीब्यूट करें, सो दैट यू गेट फंड्स एंड रिसोर्सेज टू बिल्ड हाउसेज फॉर द नीडी पीपल। तो जहां तक है, इस बात से आपको क्लियरिटी कहीं ना कहीं आ रही होगी कि पार्टिसिपेशन और कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि साउंड करते हैं इन्वॉल्वमेंट के लिए, इनमें फर्क क्या है। इन दोनों के टाइम फ्रेम में भी फर्क होता है। कॉन्ट्रीब्यूशन एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है। फुटबॉल फील्ड पर आप खेल रहे हैं, आपने बॉल आपके पास आई, आपने उसको कैसे टैकल किया, कैसे पास किया, सो दैट यू कैन कन्वर्ट दैट बॉल इंटू अ गोल, वो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया फॉर दैट टाइम फ्रेम। लेकिन आप थ्रू आउट द प्रोसेस, शुरू से लेके आखिरी तक टीम में बने रहे, दैट इज योर पार्टिसिपेशन। तो दोनों के टाइम फ्रेम में भी फर्क है। देखिए, बात क्या है कि कॉन्ट्रीब्यूशन वैल्यू एडिड करता है आपके किसी भी टास्क में, वेर इन जो पार्टिसिपेशन है वो एक्टिव एंगेजमेंट लेके आता है। तो आप फर्क समझते हैं दोनों के बीच का, और एजुकेशन आपको असिस्ट करता है कि आप कैसे एक पार्टिसिपेंट होके आगे चल के कॉन्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एथिक्स, वैल्यूज एंड द एबिलिटी ऑफ द एंटायर ग्रुप। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम एक मुहिम और शुरू कर रहे हैं कि हम डेली एक हार्ड वर्ड के बारे में आपसे डिस्कशन किया करेंगे, ताकि आपकी वोकैबुलरी भी एनहेंस हो। तो आज जिस वर्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं वो वर्ड है बिजायर, और जिसका मीनिंग होता है वियर्ड। थैंक यू एजुकेटर्स एंड लर्नर्स, हैव अ नाइस डे। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको एक क्लियरिटी मिली होगी कि आप अपनी सुपर पावर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी टास्क यू आर इन्वॉल्व्ड इन कैसे एनहेंस कर सकते हैं एजुकेशन के जरिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।